हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, हमारी साइकोलॉजी चल रही थी जिसमें आज हम करेंगे फोर्थ यूनिट, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। ठीक है, तो बहुत अच्छे से जो है आपको आराम से वीडियो जो है वो सुनना है, जिससे कि हर चीज़ आपको समझ में आ सके। तो थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी जो है वो क्या होती है। तो जब हम किसी भी व्यक्ति के बाहरी पक्ष को देखते हैं, यानी कि व्यक्ति जो है वो किस रंग का है, काला है, गोरा है, ठीक है, उसका रूप रंग देखते हैं, उसकी सुंदरता देखते हैं, उसकी जो शारीरिक बनावट है यानी मोटा है, पतला है, छोटा है, ये चीज़ जब हम देखते हैं, उसकी वेशभूषा है, खान पान है, तो ये सब किस में आ जाएगा, व्यक्तित्व में आ जाएगा। हम कहते भी हैं कि देखिए उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है वो कितनी अच्छी है, यानी हमने उसको जो है पूरे तरीके से देखा। कैसे, उसके हमने चाल ढाल देखी, उसको हमने जो है बोलते हुए हमने देखा, उसके कपड़े हमने देखे, उसका रूप रंग हमने देखा, वह किस प्रकार से खाना खाता है वह भी हमने देखा। तो ये सब कुछ किस में आ जाएगा, व्यक्तित्व में आ जाएगा। तो ये तो हम बात करते हैं बाहरी पक्ष की, लेकिन व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में जो है आंतरिक पक्ष भी शामिल होता है। कैसे, यानी व्यक्ति का सोचने का तरीका कैसा है, उसका नज़रिया कैसा है, उसकी मानसिक शक्तियाँ, ठीक है, उसकी निर्णय करने की जो कैपेसिटी है या उसकी नेतृत्व करने की जो क्षमता है, किस तरीके से जो संवेग है उन पर वो नियंत्रण जो है वो कर सकता है, क्या उसको जो है गुस्सा आता है और वह उस गुस्से पर काबू पा सकता है या नहीं पा सकता है, ये सब कुछ व्यक्तित्व में आएगा। ठीक है, आप खुद को ही देखिएगा कि जब हम एक शब्द प्रयोग में लेते हैं कि हमारी जो है पर्सनैलिटी इस प्रकार की है, तो क्या आप जो आपका जो दिखाई दे रहा है, आपके जो वेशभूषा है, आपका जो बोलने का तरीका है, यही शामिल होता है? नहीं, इसके साथ साथ आपका जो व्यवहार है दूसरे व्यक्तियों के साथ वह भी शामिल होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम नोट्स के द्वारा जो है वो पढ़ेंगे, जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कैसा आ सकता है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द से बना है। किससे बना है? पर्सनैलिटी शब्द से बना है। और यह लेटिन भाषा की, यह लेटिन भाषा के परसोना से बना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऑप्शन आपके ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा, और पूछा जाएगा कि परसोना जो है किस भाषा से लिया गया है, तब आप वहां याद रखेंगे कि लेटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है नकाब, मास्क, मुखौटा या भारी आवरण। ठीक है, चलिए परिभाषाओं से हमें और भी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी है कि व्यक्तित्व जो है जिसमें हम जो है उसका आंतरिक और बाहरी जो पक्ष है दोनों ही शामिल करते हैं, व्यक्तित्व जो है वो जन्मजात भी होता है और अर्जित भी होता है। ठीक है, सबसे पहली परिभाषा है ऑलपोर्ट की। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व उन मनोदेहिक यानी मन और देहिक, देह दोनों ही व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। जैसी आपकी पर्सनैलिटी है उसी तरीके से आप जो है जो नया वातावरण है उसमें आप सामंजस्य बिठाते हो, समायोजन स्थापित करते हो। ठीक है, अब कई जो हैं व्यक्ति हमने देखे हैं, हम देखकर ही बता देते हैं उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, और बुरे से बुरे माहौल में यदि वो जाएगा तब भी वो वहां पर एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही इस प्रकार की है। तो यही जो है ऑलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक यानी उसका जो है आंतरिक पक्ष और उसका दैहिक यानी उसका जो शारीरिक पक्ष है, दोनों ही व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। वैलेंटाइन का कहना है व्यक्तित्व के बारे में कि ये जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है, इसमें जन्मजात प्रवृत्तियां भी शामिल होती हैं और इसमें अर्जित प्रवृत्तियां भी शामिल होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जन्मजात यानी कि उसका जो रूप रंग है जो कि उसने अपने माता पिता, दादा दादी वहां से गेन किया है। ठीक है, उसकी जो शारीरिक बनावट है वो परिवार से ही मिलती जुलती रहती है, उसका वेशभूषा है, खान पान है। अर्जित प्रवृत्तियां जो कि यहाँ पर जब वो वातावरण के साथ क्रिया करता है तो जिस तरीके से उसके सगे संबंधी, जिस तरीके से उसके दोस्त वगैरह होते हैं, तो वैसा ही जो है वो व्यवहार जो है वो
अपनाता है, ठीक है। तो इन दोनों का ही क्या है, ये जोड़ है, इनका दोनों का ही क्या है, ये योग है। उसके बाद देखिए वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, यानी कि उसकी जो सभी विशेषताएं जो हैं, उसकी खाने पीने से लेकर चलने फिरने तक, उसके रूप रंग ढंग सभी जो है किसमें आ जाएगी, पर्सनैलिटी में आ जाएगी, इसी में गिना जाएगा, ठीक है। व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यताओं और अभिरुचियों का क्या है, संगठन है। तो जो वुडवर्थ ने एक लाइन में जो बात कही है उसे मन ने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है शब्दों के माध्यम से। यहाँ पर हमने वुडवर्थ की परिभाषा देखी कि जो संपूर्ण गुणात्मकता है व्यक्तित्व व्यक्ति की, तो इन्होंने जो है इसको अलग अलग रूपों में बता दिया कि जो उसके तरीके हैं, व्यवहार जो है जैसा है उसका दूसरों के साथ, उसका जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण जो है, जो भी कैपेसिटी है उसकी काम करने की, ठीक है, योग्यताएं जो हैं उसकी, जो अभिरुचियां हैं, इनका संगठन है व्यक्तित्व। तो जो परिभाषाएं हैं उनसे क्या होता है कि आपको हर चीज जो है वो समझ में आने लग जाती है कि जो शब्द हम पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उसको मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने शब्दों में जो है डिफाइन किया है। एक परिभाषा को ही लिखने में इनको बहुत टाइम लगा होगा, क्योंकि एक एक शब्द जो है वो बताता है। फिर देखिए वॉटसन के अनुसार व्यक्तित्व क्या है, तो जो भी क्रियाएं हैं व्यक्ति की, जो भी व्यवहार वो कर रहा है, ठीक है, तो ये सब व्यक्तित्व में आ जाएगा। नेक्स्ट जो परिभाषा है बोरिंग की, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही क्या है, व्यक्तित्व है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन क्या है, व्यक्तित्व है। परिभाषाएं कैसे याद करोगे, तो देखिए थोड़ा सा इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि यदि वातावरण के साथ समायोजन नहीं करने की वजह से व्यक्ति जो है वो बोर हो जाता है, ऐसे जो है वो आप याद कर सकते हो, या अपनी भी कोई जो ट्रिक है वो यहाँ पर लगाएं जिससे कि आपको याद हो जाए, और इनको बार बार बोलने से भी ये याद हो जाती हैं। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। कैटल जो हैं इन्होंने जो व्यक्तित्व के जो शील गुण होते हैं उसका सिद्धांत दिया, ठीक है। कैटल ने तो इन्होंने दो तरीके के शील गुण बताए, एक तो सतही शील गुण और दूसरे मूल शील गुण। तो जो सतही सील गुण होते हैं वो क्या होते हैं कि जो व्यक्ति के रोजाना के जो व्यवहार है, उसकी जो क्रियाएं हैं जो दिखाई देती हैं, तो वो सब सतही सील गुण में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो खुश हो रहा है, तो ये जो है सतही सील गुण में आ जाएगा। वहीं जो दूसरा इन्होंने सील गुण बताया व्यक्तित्व का, मूल सील गुण, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें इन्होंने बताया जैसे कि मित्रता है, निस्वार्थता है, सामुदायिकता है, इसको उन्होंने मूल शील गुण में शामिल किया, ठीक है। तो ये कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जो है वो भविष्यवाणी करने में सक्षम है, यानी कि हम जो भी व्यक्ति के व्यवहार देख रहे हैं, हमने जो बचपन में किसी भी बालक को कोई कार्य करते देखा, तो हम उसको देख कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ आगे जाके जो है ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ऐसी जो है वो भविष्यवाणी की जा सकती है। कोई जो है बच्चा जो कि फिल्मों में रुचि ज्यादा लेता है और एक्टिंग वगैरह ये करके दिखाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आगे जाके जो है ये फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा, ठीक है, अमिताभ बच्चन की तरह वो रोल करके दिखाता है। तो व्यक्ति की जो है वो भविष्यवाणी की जा सकती है व्यक्तित्व के द्वारा, उसके चलने के तरीके से, उसके जो है खाना खाने के तरीके से, उसके कपड़े पहनने के तरीके से, ठीक है। तो कैटल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है। गिलफोर्ड का कहना है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। तो हमने वॉटसन की जो परिभाषा देखी थी और वुडवर्थ की जो परिभाषा देखी थी, जिसमें ये हमने देखा कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का सार है, वही गिलफोर्ड का कहना है। पार्कर कहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं उसमें 90% जो है वो वंशानुक्रम तथा 10% वातावरण है, यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो किसका है, हेरिडिटी का है, यानी वंशानुक्रम का है, ठीक है। और बाद में जो है वो वातावरण के साथ जब समायोजन करता है तो वो केवल 10% भाग है। व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया, एडलर ने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार
पूछी भी जाती है। परिभाषाएं जो है वो भी आपके एग्जाम में आती हैं। किस तरीके से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि हम जो कुछ भी हैं उसमें 90% वंशानुक्रम तथा 10% वातावरण है, व्यक्तित्व की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो वहाँ ऑप्शन होगा वॉटसन, गिलफोर्ड, कैटल या पार्कर। तो आंसर होगा पार्कर। ठीक है, सबसे पहले है आत्मचेतना, यानी व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आत्मचेतना है। दूसरी है व्यक्तित्व आंतरिक भी है और बाहरी दोनों है। कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। आंतरिक यानी कि जो भी उसकी मानसिक शक्तियां हैं, उसके जो आंतरिक गुण हैं, उसकी संवेगात्मक स्थिरता है, उसकी निर्णय करने की जो कैपेसिटी है, नेतृत्व करने की कैपेसिटी है, ठीक है, उसका जो दृष्टिकोण है, ये शामिल होता है पर्सनालिटी में। दूसरा बाहरी जो है वो पक्ष कौन सा है, यानी कि जो उसका रूप रंग है, सुंदरता है, वेशभूषा है, खान पान है, ये शामिल होता है। व्यक्तित्व जन्म जात और अर्जित दोनों होता है, तो इसकी हमने बात कर ली। फोर्थ नंबर पर देखिए, व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की प्रक्रिया में रहता है। फिफ्थ देखिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को जो है महत्व, ये इसकी विशेषता है। व्यक्तित्व में समायोजन की जो है वो क्षमता पाई जाती है। ठीक है, अब कोई भी जो अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया ये एग्जाम्पल कि बुरे से बुरे माहौल में, यदि नेगेटिव माहौल में यदि वो जाता है, तो इस तरीके से वो अपना समायोजन वहाँ बैठा लेता है, खुद नेगेटिव नहीं होता है बल्कि वहाँ पर खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो ये जो एडजस्टमेंट की जो उसकी कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो उसके अंदर पाई जाती है। व्यक्तित्व में समस्त गुणों और विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है, वही बात हो गई। व्यक्तित्व को व्यक्ति के व्यवहार से जोड़ा जाता है, यानी जो भी वो व्यवहार कर रहा है तो उससे हम जोड़ सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी को। व्यक्तित्व में आत्म नियंत्रण और प्रबंधन को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व में जो है सामाजिकता, सहयोग की भावना जो है वो पाई जाती है। हम कह सकते हैं व्यक्तित्व को जो है प्रभावित करने का जो कार्य है, हमने देखा हेरिडिटी भी है और एनवायरनमेंट भी है, दोनों के द्वारा होता है। व्यक्तित्व में जो है बहुत सारी विशेषताएं जो है वो व्यक्ति की शामिल की जाती हैं। तो ये सभी विशेषताएं जो है किसकी हैं, पर्सनैलिटी की हैं, व्यक्तित्व की हैं। तो हमने व्यक्तित्व का अर्थ देखा, परिभाषा देखी, ओवरऑल हमें ये समझ में आया कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति का एक व्यवहार है और व्यक्ति के जीवन जीने का एक ढंग है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, जिसमें एक कारक जो है वो शारीरिक रचना संबंधी होता है, ठीक है, और दूसरा जो है पर्यावरण संबंधी होता है। तो सबसे पहले है वंशानुक्रम का प्रभाव जो है वो व्यक्तित्व पर पड़ता है। हमने परिभाषा पार्कर की देखी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम जो कुछ भी हैं उसमें 90% जो है वो वंशानुक्रम है और 10% जो है वो केवल वातावरण का रोल है। ठीक है, तो वंशानुक्रम का प्रभाव जो है व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिकों का क्या मानना है कि व्यक्तित्व विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव जो है वो अनिवार्य रूप से पड़ता ही है। दूसरा पॉइंट देखें, जैविक कारकों का प्रभाव। तो मुख्य जैविक कारक जो हैं, जैसे नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, शारीरिक रसायन हैं, ठीक है, तो जैविक कारकों का प्रभाव जो है वो सामाजिक कारकों के प्रभाव से अधिक सामान्य और कम विशिष्ट, पर किसी प्रकार का कम महत्वपूर्ण नहीं है। जैविक कारक ही व्यक्तित्व के विकास की सीमा को निर्धारित करते हैं। थर्ड देखें, शारीरिक रचना का प्रभाव। तो शारीरिक रचना यानी कि शरीर की लंबाई है, भार है, उसकी आंखें हैं, बालों का जो रंग है, उसके शरीर का जो रंग है, ठीक है, उसकी जो मुंह की जो बनावट है, तो ये सभी किसी न किसी रूप से व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। फोर्थ नंबर पर है दैहिक प्रवृत्तियों का प्रभाव। तो दैहिक प्रवृत्तियों के कारण शरीर के अंदर जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो जिनकी वजह से व्यक्ति जो है वो सक्रिय भी बनता है और निष्क्रिय भी बनता है, ठीक है, महत्वाकांक्षी भी बन जाता है और कभी कभी आकांक्षाहीन भी बन जाता है। तो इन बातों का उनके व्यक्तित्व के विकास पर जो है वो अच्छा बुरा प्रभाव जो है वह पड़ता ही है। भौतिक वातावरण का प्रभाव, तो इसका अर्थ क्या है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वातावरण। जैसे वातावरण में वो रहेगा, अलग अलग देशों की यदि वो यात्रा करता है, ठीक है, वहां जाकर जो है वो बस जाता है और वहां के जो लोग हैं, जिस तरीके से रह रहे हैं,
वहाँ के निवासियों के व्यक्तित्व को देखकर जो है उसकी तरह जो है बनने की कोशिश करता है, वो जो छाप जो है वो उसके भी व्यक्तित्व पर पड़ती है। तो वातावरण का प्रभाव जो है वह भी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। विशिष्ट रुचि का प्रभाव, तो मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास जो है उस सफलता के अनुपात में होता है जो उसे किसी भी कार्य को करने से प्राप्त होती है, ठीक है। और इस सफलता का मुख्य आधार है रुचि। सेवंथ है मानसिक योग्यता का प्रभाव, तो व्यक्ति में जितनी भी अधिक मानसिक योग्यताएं होती हैं उतना ही अधिक वो अपने व्यवहार को समाज के आदर्शों के अनुकूल बनाने में सफल हो जाता है, ठीक है। तो मानसिक योग्यता जो है वह भी प्रभावित करती है, और ये है आंतरिक पक्ष व्यक्तित्व का। एट तो है सामाजिक वातावरण का प्रभाव, तो देखिए भौतिक वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही है व्यक्तित्व पर, इसके साथ साथ सामाजिक वातावरण का प्रभाव जो है वह भी पड़ता है व्यक्तित्व पर। बालक जो है जब पैदा होता है तो जन्म के समय जो है वो जो शिशु है वो किसके समान होता है, पशु के समान होता है। उसे ना तो बोलना अच्छे से आता है, ना ही उसे अच्छे ढंग से जो है वो कपड़े पहनना आता है, ठीक है, ढंग से खाना पीना भी नहीं आता है, ना ही उसका जो है कोई आदर्श होता है, ना ही वो किसी भी व्यवहार को जानता है। लेकिन जैसे ही सामाजिक वातावरण जो है उससे वो कनेक्ट होता है तो उसमें धीरे धीरे जो है वो चेंजमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। नाइन्थ देखिए सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, तो जैसे हमने देखा भौतिक वातावरण का, उसके बाद हमने सामाजिक वातावरण का प्रभाव देखा व्यक्तित्व पर किस तरीके से पड़ता है, तो वही सांस्कृतिक वातावरण का यानी उस वातावरण की जो संस्कृति है, वहां के लोगों की जो संस्कृति है, जिस वातावरण में वो गया है, उसका प्रभाव भी उसकी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। समाज जो है वो व्यक्ति का निर्माण करता है और संस्कृति जो है उसके स्वरूप का निर्माण करती है, ठीक है। लोगों को देखकर ही हम कह देते हैं कि ये जो है इस संस्कृति से आया है, इसका जो कल्चर ये है, इस तरीके से जो है इसका बिहेव जो कर रहा है उससे हमें पता चल रहा है, क्योंकि प्रत्येक जो संस्कृति होती है उसके रीति रिवाज अलग होते हैं, रहन सहन की जो भी उनकी टेक्निक होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, उनके जो धार्मिक कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसी के वजह से हम कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक वातावरण है उसका प्रभाव भी हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परिवार का जो प्रभाव है वह भी व्यक्तित्व पर पड़ता है, क्योंकि यहीं से जो है उसका प्रारंभ होता है, ठीक है। परिवार यदि बहुत ही जो है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो पर्सनैलिटी पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, ठीक है। वो परिवार जो बालक जो ऐसे जो परिवार होता है बालकों को ऐसे जो है एक्सपीरियंस जो है वो प्रदान करता है जो उसके व्यक्तित्व के विकास की दिशा को और अधिक सीमा तक निश्चित करते हैं। फिर देखें परिवार के बाद जब वो स्कूल में एंट्री करता है, विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है पर्सनैलिटी पर, तो व्यक्तित्व के विकास पर विद्यालय की सब बातों का जो है हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो है यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि उसका जो पाठ्यक्रम है वहां पर, जो स्कूल में डिसिप्लिन चल रहा है वहां पर, टीचर का स्टूडेंट के साथ जो भी संबंध है, ठीक है, खेल कूद है, इसका प्रभाव जो है वह भी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। संवेगात्मक विकास का प्रभाव, तो देखिए शरीर के विकास के साथ साथ व्यक्ति में जो संवेग है उसकी अभिव्यक्ति की प्रकृति भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को जो है वो बहुत अधिक क्रोध आता है, कोई व्यक्ति डरता है, ठीक है, घृणा करता है कोई व्यक्ति, तो उसके व्यवहार द्वारा जो है वो हम पता लगा सकते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है। तो जो संवेग है, तो संवेग जो है उनसे भी व्यक्तित्व जो है वो प्रभावित होता है। फिर देखिए लास्ट नंबर पर है मानसिक विकास का प्रभाव, ठीक है। तो मानसिक विकास जिसका आरंभ किससे होता है, ज्ञान से होता है, ठीक है, और ज्ञान का जो आरंभ है वो होता है पहचान से, अभिव्यक्ति से। तो मानसिक विकास का प्रभाव जो है वह भी व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो हमने जो है 13 पॉइंट पढ़े, ठीक है, जो कि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आस पड़ोस है, समूह है, ठीक है, और ऐसा भी होता है कई बार कि जो है माँ बाप की इकलौती संतान होती है, ठीक है, तो उसमें जो है ऐसे विशेषताएं होती हैं जो कि जहाँ पर 3 4 बच्चे जो हैं वो एक साथ रह रहे हों परिवार में, उनसे जो है वो भिन्न होता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो पहले जो है वो अलग होती है, लेकिन कोई जो है परेशानी यदि हो जाती है,
कोई भी आकस्मिक जो घटना हो जाती है उनके परिवार में, तो वो अपनी पर्सनैलिटी जो है वह भी बदल लेता है। तो कई कारण होते हैं जो कि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। तो जिसमें देखिए, दोबारा से देखिए, वंशानुक्रम जो है इसका तो 90% रोल जो है वो बताया था किसने, पार्कर ने बताया था, ठीक है। 10% जो है वो किसका बताया, वातावरण का। जैविक कारक प्रभावित करते हैं, शारीरिक रचना का जो प्रभाव है ये भी प्रभावित करता है व्यक्तित्व को। भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, रुचि जो है वह प्रभावित करती है, ठीक है। और परिवार, विद्यालय, संवेगात्मक विकास का प्रभाव, मानसिक विकास का प्रभाव, ये सब पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ही आपको समझ में आ गया होगा पर्सनैलिटी का अर्थ, परिभाषाएं और पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका एग्जाम में यहाँ से, तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो परिभाषाओं से संबंधित बन जाएगा। जैसे कि ऑलपोर्ट के अनुसार जो है वो व्यक्तित्व है, चार ऑप्शन होंगे, अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक संगठन, संगठित मनोदैहिक या उपयुक्त सभी। तो हमने ऑलपोर्ट की परिभाषा में ये तीनों चीजें देखी, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन कैसा आएगा कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका है, क्या है, ऑप्शन होगा मूल्य है, आदत है, व्यक्तित्व है या मानदंड है। आंसर क्या करोगे आप, व्यक्तित्व है, ठीक है। व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है तो वो उसका क्या है, व्यक्तित्व है। तो इस तरीके से जो है समझ कर जो है, साइकोलॉजी में क्या होता है कि आपको समझना होता है, समझ कर क्वेश्चन जो है वो आपके कैसे भी पूछ लिया जाएगा, आपको आंसर जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ परिभाषाएं जो है वही आप रट सकते हो, इसके अलावा जो है वो समझने की चीज है जिसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ हमने क्या जाना कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के जीवन जीने का क्या है, एक ढंग है, उसका क्या है, एक व्यवहार है, और सभी जो समस्त गुण हैं, विशेषताएं जो हैं, वो व्यक्तित्व के व्यक्ति में शामिल होती हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्यक्तित्व के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा आप किस कैटेगरी में आते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।